Hello and welcome to the first episode of Mission Admission DULLB 2020. I am Aditya Yadav and I'm watching the Social Indian. और आज की इस वीडियो में हम आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे. जो पांच बड़े डाउट हैं DULLB की प्रिपरेशन के लिए वो क्या हैं? सबसे पहला कि आपको कब से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. दूसरा हम बात करेंगे कि पॉलिटी साइंस के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीए में बीएससी में कुछ और किया है उनके लिए क्या करना चाहिए और क्या पॉलिटी साइंस के बारे में जो मिथ है वो सही है या गलत है. और तीसरा जो राइट अप्रोच होनी चाहिए, व्हाट शुड बी योर राइट अप्रोच फ्रॉम दिस टाइम, अभी से आपको क्या करना चाहिए. चौथा जो सबसे बड़ा डाउट है वो है कि विच बुक टू रेफर. और पांचवा और आखिरी जो कि मैं कहता हूं सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का. और छठी एज यूजुअल हमारी एक मास्टर टिप जो आपको गांठ बांध कर रख लेनी है, संभाल कर रख लेनी है, तिजोरी में बंद कर रख लेनी है. तो इस वीडियो को हम यहां पर आपके लिए शुरू करते हैं. और सबसे पहले तो हम आपको बात बताना चाहेंगे ये कि DULLB की प्रिपरेशन को शुरू करने के लिए मैं जो मानता हूँ, पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है कि कोई टाइम नहीं होता. जब आपका दिल करे, जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि हाँ भाई यू आर डिटर्मिंड कि अब आप कर सकते हो, दैट इज़ द राइट टाइम, दैट इज़ द राइट चॉइस, दैट इज़ द राइट प्लेस. आप ये सोच सकते हैं कि आप घर से शुरू करना चाहते हैं घर से करिए, दिल्ली आकर शुरू करना चाहते हैं दिल्ली आकर करिए, चंडीगढ़, भोपाल, मध्य प्रदेश, कहीं से आकर कहीं से भी करिए. लेकिन जब आपका मन करे, दिल से अगर आप दृढ़ संकल्प है आपका, डिटरमिंड है आप, तो तब से आप शुरू कर दीजिए. मैं आपको कहूंगा अगर आप अभी से शुरू करेंगे तो आप अगर ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या फिर अटेम्प्ट ले रहे हैं, ड्रॉप ले रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि अभी से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए. जो लीगल न्यूज आती हैं उन पर फोकस कर लीजिए. हर हफ्ते क्या लीगल न्यूज आ रही है, हर हफ्ते करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, हर हफ्ते कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज आ रहे हैं, अमेंडमेंट क्या नए आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते रहिए. तो उससे क्या होगा, आखिरी में आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा. अगर आप अपने आप को बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट मानते हैं कि भाई एक महीने में आप एक साल का काम कर सकते हैं तो आप वो भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं. लेकिन मेरी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि हर हफ्ते आप थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना खाने से पेट भरता है और एकदम से खाना खाने से पेट फटता है. तो वो आपको डिसाइड करना है कि पेट को फाड़ना है या पेट को भरना है. दूसरा बड़ा सवाल जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एक मिथ है जो बनाया गया है DULLB के लिए कि जो पॉलिटी साइंस के बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर को आसानी से क्लियर कर लेते हैं और बाकियों को करने में बहुत मुश्किल आती है. तो उन लोगों के लिए मैं क्लियर करना चाहूँगा, फैकल्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स तक नहीं था अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, लेकिन आज वो LLB कर रहे हैं और अच्छा भी कर रहे हैं, एग्जाम में भी अच्छा कर आए हैं. यहाँ तक कि आप जो टॉप रैंकर्स देखेंगे इस साल के 2019-20 के, तो वो भी आप देखेंगे तो जानेंगे कि उनमें से भी कई लोग हैं जो विदाउट बैकग्राउंड है पॉलिटी साइंस, विदाउट बैकग्राउंड है आर्ट्स, बीटेक से है कोई, बीएससी से है कोई, कुछ और करके आया है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं और वो इस एग्जाम को निकाल सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में क्या बैकग्राउंड था, वो मैटर नहीं करती है. सिर्फ एक चीज आपके लिए मैटर करती है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना है. और उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद आपकी प्रिपरेशन है जो आपको यहां तक लाएगी. अब सबसे राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले अगर हम अपने आप को जानते हैं तो हम सारी दुनिया को जानते हैं. अगर आप अपने आप को जानते हैं तो अपनी पहले सबसे पहले कमजोरियां निकालिए, नोट डाउन कर लीजिए, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए मेरी ये कमजोरियां, ये मुझे सुधारनी है, ये मेरे स्ट्रांग पॉइंट हैं. ये मत सोचिए कि मेरे को सिर्फ अपनी कमजोरियों को बढ़ाना है, उन्हें मजबूत करना है, उस एरिया में अच्छी पकड़ बनानी है, लेकिन जो आपका मजबूत पार्ट है उसको और स्ट्रेंथन करना है और कंसोलिडेट करना है. उससे क्या होगा, क्योंकि जो आपका कमजोर पार्ट है उसे आप स्ट्रांग बनाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके स्ट्रांग पॉइंट से आप एक आधा क्वेश्चन भी गलत करते हैं तो वहां पे जो ज्यादा दुख होता है, जो मोटिवेशन आप लूज करते हैं, उसकी एग्जाम में आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो उस स्ट्रांग पार्ट को भी स्ट्रांग बनाए रखें. अब चौथा सवाल जो सबसे ज्यादा लोग पूछते थे कि विच बुक टू रिफर, अब मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अगर आप कोई भी एक बुक रेफर करते हैं तो शायद वो इनफ नहीं है. किसी भी एक बुक को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, कोशिश कीजिए कि दो या तीन बुक से आप पढ़ें. मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अलग 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 टाइम पे पढ़ें, एक ही किताब पर रिलाई ना करें, अलग अलग किताबों पर रिलाई करें, हर एक किताब से अच्छी अच्छी चीजें निकालें, उन्हें पढ़ें, समझें, सीखें और आगे बढ़ें. एक किताब के अगर पीछे आप पड़ जाएंगे तो उससे ऐसा होगा कि अगर उसके हिसाब के पैटर्न का क्वेश्चन पेपर आ गया तो आप बहुत इजी से निकाल लेंगे हलवे की तरह, लेकिन अगर नहीं आया तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अब पांचवा,
बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए क्या हो सकता है। देखिए मार्केट में दुनिया भर के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो आपको DLLB CLAT के लिए प्रिपेयर करवाते होंगे, लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि अगर आप DLLB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, CLAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना मैटर नहीं करता है जितनी आपकी मेहनत करती है। खुद के ऊपर भरोसा रखिए, आप खुद से भी इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। जो बिजनेस चल रहा है एजुकेशन का, उसको रोकने में कोशिश कीजिए, उसको बढ़ाने की कोशिश ना कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके सेल्फ स्टडी करें, खुद से पढ़ें। जरूरत पड़ती है क्रैश कोर्स लीजिए, ज्यादा जरूरत पड़ती है टेस्ट सीरीज लीजिए। वो मैं मानता हूं कि एक आपको एक बेस बनाने के लिए अच्छा हेल्प कर सकती हैं, लेकिन अगर आप शुरू से ही कोचिंग की तरफ भागेंगे तो मुझे नहीं लगता शायद आप इस एग्जाम को भी क्लियर कराएंगे और अपनी कैपेबिलिटीज को भी लो कर पाएंगे। जो छठी हमारी मास्टर टिप यही है, जो इन सबका निचोड़ है, आज से प्रिपरेशन शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा खाइए और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर मत जाइए। कोशिश कीजिए कि अपने ऊपर से ही करें, खुद से ही करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखें। और जिस दिन आप डिटरमिंड हो जाएं कि मुझे DLLB सीरियस करना है या फिर CLAT सीरियस करना है, उस दिन इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, हम यहीं पर मिलेंगे आपके लिए और साथ ही साथ आपको सपोर्ट वोट इलेक्ट करके लाएंगे। तो इस बात के इसी के साथ हम करते हैं वीडियो खत्म, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए अगली वीडियो में जरूर आपको मिलेंगे जल्दी। जब तक अपनी प्रिपरेशंस के बूट बांध लीजिए। और एक और बड़ी बात, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आप बार 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 मांग रहे थे, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जरूर चेक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी या फिर जो हमारे पास जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको धीरे धीरे शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर्स द सोशल इंडियन टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। भारत माता की जय। जय हिंद।